Hello to folks, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean to enlighten your automobile knowledge. आज इस वीडियो में हम एक ऐसे स्पोर्ट्स की बात करने वाले हैं, हाँ जी रेसिंग स्पोर्ट्स की, जो पूरी दुनिया में फेमस है और ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो एक्साइटमेंट, थ्रिल और चैलेंजेस से भरा हुआ है। बहुत से लोगों को तो सिर्फ फॉर्मूला 1 सुनकर उनके ब्लड में एड्रेनलिन फ्लो करने लगता है और आज इस वीडियो में हम फॉर्मूला 1 से जुड़े कुछ फैक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करेंगे। और ये मेरा वादा है कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आप फॉर्मूला 1 में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे तो अब आप फॉर्मूला 1 रेसिंग में इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन लोगों को ये बेसिक जानना जरूरी है जो फॉर्मूला 1 रेसिंग को सिर्फ टू सिर्फ कार रेसिंग समझते हैं, जिसमें कार एक राउंड सर्कल में कॉम्पीट करती है और जो कार फर्स्ट फिनिश लाइन क्रॉस करती है वो विनर होती है। तो फॉर्मूला 1 रेसिंग की सीमा सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि फॉर्मूला 1 रेसिंग में और भी बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कार सेटअप। हाँ जी, डिफरेंट ट्रैक के अकॉर्डिंग कार्स के अंदर चेंजेस करे जाते हैं। ग्रिड पोजीशन, यानी रेस स्टार्ट होने से पहले आपकी कार कौन सी पोजीशन पर खड़ी है, जो कि अलग से एक क्वालिफाइंग राउंड से डिसाइड होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेस स्ट्रेटेजी और वेदर, और जब आप इन चीजों को सही से समझ जाओगे तो आपको फॉर्मूला 1 से प्यार हो जाएगा। तो फॉर्मूला 1 रेसिंग में 10 टीम्स होती हैं और हर एक टीम के पास 2 कार्स होती हैं एंड एवरी ईयर 17 रेसेस करते हैं 17 डिफरेंट ट्रैक्स पर, और कोई भी 2 ट्रैक सेम नहीं हो सकती किसी रेस के लिए। और इस चैंपियनशिप में 2 ट्रॉफीज होती हैं, एक ड्राइवर चैंपियनशिप ट्रॉफी जो ड्राइवर को मिलती है एंड सेकंड वन इज कंस्ट्रक्टर ट्रॉफी उस टीम के लिए जो वो कार डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, यानी कि कार की। फॉर एग्जांपल फरारी, जिनके पास 2 ड्राइवर होते हैं और उनसे अलग 50 लोगों की एक अलग टीम होती है जो उनके साथ ट्रैवल करती है दुनिया के हर एक कोने में जहाँ वो 17 रेसेस होने वाली हैं। इनसे अलग भी 200 से लेकर 1500 फैक्ट्री इंजीनियर्स होते हैं जो वो F1 कार डेवलपमेंट में जुड़े होते हैं। और सब टीम की कार लुक में भले आपको सेम लगे, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी और एडवांस आइडियाज को यूज करके डेवलप करा जाता है, क्योंकि दुनिया की जाने माने बिग जायंट्स मर्सिडीज, फरारी, होंडा, रेनॉल्ट कॉम्पीट करती हैं कि कौन इस गैलेक्सी में सबसे बेस्ट कार डेवलप करता है। और इस राइवलरी में कुछ ज्यादा एक्सेस ना हो जाए और किसी की सेफ्टी पर आ जाए, इसलिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कार के लिए भी और ड्राइवर और रेसिंग के लिए भी। तो जानते हैं वही फॉर्मूला 1 रेस रूल्स एंड रेगुलेशंस। FIA, फेडरेशन इंटरनेशनल डेल ऑटोमोबाइल, ये एक एसोसिएशन है जो 1947 में एस्टैब्लिश हुई और उसी के बाद से इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग को फॉर्मूला 1 नाम दिया और कुछ रूल्स बनाए। और उस टाइम एक ओनली रूल था कि इंजन सिर्फ 2.5 लीटर की कैपेसिटी का हो और नेचुरली एस्पिरेटेड हो, वरना इसके अलावा तो आसमान को छूना ही लिमिट था। FIA ने फॉर्मूला 1 रेसिंग की सेफ्टी को देखते हुए काफी रूल्स बनाए हैं और एवरी ईयर इन रूल्स में चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इन द स्पोर्ट एंड टू प्ले द गेम इन अ फेयर वे। FIA ये रूल्स 3 पॉइंट्स में कैटेगराइज करती है, टेक्निकल रूल्स, स्पोर्टिंग रूल्स एंड फाइनेंशियल रूल्स। बिकॉज अब 2021 में एक फॉर्मूला 1 कार को डेवलप करने के लिए मनी कैप लगा दिया गया है, यानी कि पर टीम $175 मिलियन का इस्तेमाल कर सकती है अपनी फॉर्मूला 1 कार को बनाने में। और इसके कारण ही स्मॉलर फॉर्मूला टीम भी फेयर वे में ये बिग जायंट्स लाइक फरारी, मर्सिडीज से कम्पीट कर सकें। फर्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल रूल्स की। चैसी, तो एक F1 कार 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाइड और 95 सेंटीमीटर से टॉल नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार की मैक्सिमम लेंथ क्या हो उस पर कोई लिमिट नहीं है और कार एंड ड्राइवर दोनों को मिलाकर टोटल वेट एटलीस्ट 740 किलोग्राम का ही होना चाहिए। और F1 चैसी में एक सेफ्टी सेल होना चाहिए जिसे कहते हैं कॉकपिट, और ये कॉकपिट इस तरह डिजाइन हो कि ड्राइवर आसानी से एंटर और एग्जिट कर सकता है विदाउट एनी एडजस्टमेंट अदर देन रिमूविंग दी स्टीयरिंग व्हील। और इसमें बहुत सारे मैंडेटरी क्रैश टेस्ट भी होते हैं और फॉर्मूला 1 रेसिंग में इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर्स एंड लॉन्च कंट्रोल बिल्कुल ही फॉरबिडन है। और 1994 में CVT गियरबॉक्स यानी कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन को भी बैन कर दिया था और 1994 में ही एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम को भी बैन कर दिया FIA ने ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स ओवर एवर हायर स्पीड्स।
और ड्राइवर एड्स भी बैन करे गए थे उसी ईयर में, जिसमें फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम भी बैन करा गया। और अब 2014 से फॉर्मूला 1 के ट्रांजिशन में 8 गियर होने चाहिए और 1 रिवर्स गियर इंजन। 2013 फॉर्मूला 1 सीजन में 2.4 लीटर का V8 इंजन यूज हुआ था, लेकिन उसके बाद 2014 सीजन में इंजन टेक्नोलॉजी एकदम से इतनी चेंज हो गई है कि अब 1.6 लीटर का टर्बोचार्ज V6 हाइब्रिड इंजन यूज होने लगा है, जो हाईली एफिशिएंट है और इंजन का मिनिमम वेट 145 किलोग्राम का ही होना चाहिए। ये भी एक रूल है इंजन के लिए। और FIA ने रूल्स को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपकी फ्यूल लिमिट कितनी हो उस पर भी लिमिट लगा दी है। इसलिए फॉर्मूला 1 इंजन्स को अब इस तरह डेवलप करा जाता है कि वो हाईली एफिशिएंट हो, और इसलिए ही अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इंजन यूज हो रहे हैं F1 में भी। 2017 सीजन में फ्यूल लिमिट को पर रेस को इंक्रीज करके 105 किलोग्राम कर दिया, मींस अब आप 140 से 150 लीटर फ्यूल लेके जा सकते थे अपनी कार में। और फिर 2019 सीजन में ये फ्यूल लिमिट को और थोड़ा इंक्रीज करा गया, यानी कि अब लिमिट हो गई थी 110 किलोग्राम की। और वैसे तो फॉर्मूला 1 इंजन की पावर आउटपुट 1990s से डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन जनरल तौर पर अभी लेटेस्ट F1 इंजन जो 1.6 लीटर का टर्बोचार्ज V6 इंजन है, वो 750 हॉर्स पावर से लेके 850 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, विच आर डिपेंड ऑन ट्रिम्स एंड देयर मैपिंग्स। और 2014 में एक और रेडिकल चेंज आया ERS को इंट्रोड्यूस करके। ERS मींस एनर्जी रिकवरी सिस्टम, और ये सिस्टम भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे KERS काम करता था, जहां ड्राइवर पहले 6 सेकंड का एक्स्ट्रा बूस्ट ले सकता था पर लैप, वहीं अब ड्राइवर फुल टाइम बूस्ट ले सकता है 160 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर से, जो इंटरनल कम्बशन इंजन के साथ मिलकर टोटल 1000 bhp की पावर कर देती है। F1 रेसिंग में ऐसे डिवाइस जो एयर और फ्यूल के अलावा इंजन सिलेंडर में कोई अदर सब्सटेंस इंजेक्ट करें वो बिल्कुल फॉरबिडन है, फॉर एग्जाम्पल नॉस। और क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट सिर्फ स्टील और कास्ट आयरन की ही बनी होनी चाहिए, और कार्बन कंपोजिट मटेरियल यूज करना सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड और पिस्टन्स में ये भी अलाउ नहीं है। रिफ्यूलिंग, 2010 से रिफ्यूलिंग करना अपनी फॉर्मूला 1 कार को रेस के दौरान बंद कर दिया गया है, और अब हर रेस स्टार्ट होने से पहले एवरी कार फुल फ्यूल लोड लेकर चलती है। और इसी कारण 2010 सीजन की F1 कार 22 सेंटीमीटर लॉन्गर थी 2009 की F1 कार से, क्योंकि एक बड़ा फ्यूल टैंक रखना अब एक नेसेसिटी बन चुका था। टायर्स, अब बात आती है टायर्स की। तो फॉर्मूला 1 में 2007 सीजन से एक सिंगल सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और वो है पिरेली। और पिरेली 5 स्पेसिफिकेशंस के ड्राई वेदर टायर्स और स्लीक सप्लाई करता है, जो 3 कंपाउंड के साथ प्रोवाइड होते हैं हर एक रेस में, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। तो सॉफ्ट कंपाउंड वाले टायर्स लेस ड्यूरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू दी हार्ड वन, लेकिन सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स के साथ आप और फास्टर जा सकते हो। और दूसरी जगह हार्ड कंपाउंड टायर से आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन वो काफी ड्यूरेबल होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सॉफ्ट कंपाउंड वाले टायर ही यूज करने चाहिए जब आप उससे फास्ट जा सकते हो। तो आपको बता दूं, बात फिर यहां आ जाती है, एक रेस के दौरान सॉफ्ट टायर सिर्फ 15 लैप्स चलते हैं और उसके बाद उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है, और एक टायर रिप्लेस करने में 20 से 25 सेकंड लग जाते हैं, जिससे अदर ड्राइवर्स आपसे आगे हो सकते हैं। और वैसे फॉर्मूला 1 में टायर को फिट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है सिर्फ 1.82 मैजिकल सेकंड्स, 1.82 सेकंड। आप देख रहे हैं, 4 टायर इतनी फास्ट चेंज कर देते हैं फॉर्मूला 1 के मैकेनिक्स। लेकिन मेन टाइम जो स्पेंड होता है वो पिट लेन में स्पीड लिमिट की वजह से होता है, टोटल 20-25 सेकंड का लग जाता है। इसलिए टीम बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाती है कि स्टार्टिंग में कौन से टायर यूज करने हैं कि वो कम से कम बार टायर चेंज करें। और 2 वेट वेदर टायर आते हैं रेनी वेदर के लिए, जिसमें ग्रूव्स होते हैं। और क्या आपको पता है, एक F1 कार के टायर पर सेकंड 60 लीटर पानी डिस्पर्स करते हैं। स्पोर्टिंग रूल्स, आफ्टर क्वालिफाइंग राउंड सभी टीम्स को अपनी कार्स को एक प्लेस पर ले जाना होता है पैडॉक में, जिसे पार्क फॉर्म में कहते हैं। और यहाँ जब कार आ जाती है उसके बाद आप अपनी F1 कार में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं सिवाय एक रूटीन मेंटेनेंस के, जब तक वो नेक्स्ट मॉर्निंग रेस के लिए नहीं जाती है। और अगर टीम को कुछ अलग सिग्निफिकेंट वर्क करना है जैसे बॉडी वर्क और सस्पेंशन एडजस्टमेंट, तो कार नेक्स्ट रेस सिर्फ पिट लेन से स्टार्ट करेगी। तो फॉर्मूला 1 रेसिंग के स्टार्ट होने से पहले जो 40 मिनट होते हैं वो काफी क्रूशियल होते हैं। तो उन 40 मिनट्स को हम बताते हैं कि उन 40 मिनट्स में क्या क्या होता है। तो हर रेस से पहले पिट लेन 40 मिनट्स पहले ओपन हो जाती है, और उस टाइम पर ड्राइवर अपनी कार ड्राइव कर सकता है जितनी बार भी वो चाहे। और 10 मिनट पहले रेस स्टार्ट होने से ग्रिड को क्लियर कर दिया जाता है, सिर्फ वहां टीम मैकेनिक्स, रेस मार्शल्स और ड्राइवर प्रेजेंट होते हैं। और टीम अपनी F1 कार के टायर्स को उस वक्त हीट कर रही होती है टायर वार्मर में, पर रेस स्टार्ट होने से 3 मिनट्स पहले ही वो टायर्स अटैच होने चाहिए आपकी कार में।
और रेस स्टार्ट होने से एक मिनट पहले इंजन स्टार्ट कर दिए जाते हैं एंड 15 सेकंड पहले रेस ट्रैक पर सब पर्सनल को क्लियर कर दिया जाता है और ग्रीन लाइट सिग्निफाई करती है कि लैप फॉर्मेशन में आ जाए और इसे परेड लैप भी कहा जाता है और सारी F1 कार ट्रैक का एक राउंड लगाती हैं बिना कोई ओवरटेकिंग के एक्सेप्ट अगर सामने वाली कार स्टॉप हो जाए किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से या फिर एक्सीडेंट के कारण और दोबारा फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाते हैं और बहुत से ड्राइवर कंट्रोल बर्नआउट करते हैं ग्रिड बॉक्स के अंदर ही जिससे वो अपने रियर टायर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकें। स्कोरिंग ड्राइवर कंप्लीट 90% ऑफ विनर्स रेस डिस्टेंस। फ्लैक्स फ्लैक्स वो साइन है जो ड्राइवर्स को इंडिकेशन देने के लिए बनाए जाते हैं और डिफरेंट फ्लैक्स का डिफरेंट मीनिंग होता है फॉर्मूला 1 रेसिंग में। येलो फ्लैग इंडिकेट करता है कि आगे डेंजर है, जैसे कोई क्रैश का मलबा है, इसलिए बाकी ड्राइवर स्लो डाउन हो जाएं और ओवरटेकिंग इस टाइप पर फॉरबिडन होती है। और दो येलो फ्लैग एक ही पोस्ट पर इंडिकेट करते हैं कि आगे काफी बड़ा खतरा है, कि ड्राइवर स्लो डाउन हो जाएं और प्रिपेयर रहें कार को स्टॉप करने के लिए। और अगर येलो फ्लैग के साथ आपको व्हाइट बोर्ड पर SC लिखा दिखे तो उसका मतलब है कि सेफ्टी कार ट्रैक पर डिप्लॉय कर दी गई है, ड्राइवर स्लो डाउन हो जाएं, ओवरटेक ना करें और प्रिपेयर रहें नॉर्मल रेसिंग लाइन को लीव करने के लिए। ग्रीन फ्लैग इंडिकेट करता है इससे पहले जो भी डेंजर था रोड पर वो क्लियर कर दिया गया है और ट्रैक अब क्लियर है और ड्राइवर अब रेसिंग प्रोसीड कर सकते हैं एज यूजुअल। रेड फ्लैग इंडिकेट करता है रेस प्रैक्टिस सेशन और क्वालिफाइंग सेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं और ड्राइवर अब अपनी पिट से लीव नहीं कर सकते हैं और बाकी ड्राइवर ध्यान से पिट लेन की तरफ जाकर स्टॉप कर जाएं। ब्लू फ्लैग ड्यूरिंग प्रैक्टिस जब आपको लाइट ब्लू फ्लैग दिखे ट्रैक पर, इसका मतलब है कि फास्ट कार आपको अप्रोच कर रही है और आपको साइड होना चाहिए और ऐसे ही ब्लू फ्लैग आपको जब भी शो हो सकता है जब आप पिट लेन से एग्जिट कर रहे हों। व्हाइट फ्लैग इंडिकेट करता है कि स्लो मूविंग व्हीकल सच एज रिटायरिंग कार एंड एम्बुलेंस या फिर टो ट्रक ट्रैक पर है और आपको स्लो डाउन होने का इंस्ट्रक्ट करता है। ब्लैक फ्लैग F1 रेसिंग में सबसे खराब माना जाता है क्योंकि ये फ्लैग जब शो होता है जब किसी ड्राइवर को डिस्क्वालीफाई करा जाता है रेस से। चेकर्ड फ्लैग के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, ये फ्लैग रेस के एंड में शो होता है जिसका मतलब रेस फिनिश हो चुकी है और ये सबसे पहले विनर को शो करा जाता है फिर उसके बाद से बाकी रेसर्स को। हाफ ब्लैक फ्लैग इंडिकेट करता है ड्राइवर को इन्फॉर्म करने के लिए कि उनका बिहेवियर अनसपोर्टिंग है और ये फ्लैग उस ड्राइवर की कार नंबर के साथ शो होता है। ब्लैक विद ऑरेंज सर्कल ब्लैक फ्लैग ऑरेंज सर्कल के साथ इन्फॉर्म करता है ड्राइवर को कि उसकी कार में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है जो या तो उनको हार्म कर सकती है या फिर दूसरे ड्राइवर्स को भी, इसलिए उनको वापस पिट लेन में पहुंचना चाहिए। येल्लो और रेड स्ट्रिप्स वाला इंडिकेट करता है कि ट्रैक सरफेस आगे स्लिपरी है या फिर कोई डेब्रीज है आगे, इसलिए ड्राइवर को स्लो डाउन हो जाना चाहिए उस पॉइंट पर। तो ये थे इंटरेस्टिंग रूल्स फॉर्मूला 1 रेसिंग को लेकर, लेकिन अभी तो हमने इस टॉपिक को 10% ही जाना है, अभी तो इसमें पूरा भरमार है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटोफिक्शन यूट्यूब चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए हमसे अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।